नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल दामों के खिलाफ राज्य सरकार के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, नागपुर में भाजपा आक्रामक। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर राजनीति गरमाई, भाजपा नेताओं ने कंगना के बयान से पल्ला झाड़ा। और ठग दंपति की करतूत कैद हुई सीसीटीवी में। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिवाली पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए थे, मगर केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद भी ठाकरे सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र में कोई भी पहल नहीं की है। इसी के विरोध में शुक्रवार को शहर के वैरायटी चौक पर भाजपा द्वारा आंदोलन कर महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका गया। मोदी सरकार ने दिवाली गिफ्ट के तौर पर देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए थे। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद भाजपा शासित सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में ईंधन के रेट कम किए थे, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने ईंधन के रेट पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट से पहले जनता परेशान है, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में शहर के वैरायटी चौक पर महाराष्ट्र सरकार का निषेध कर आंदोलन किया गया। भाजपा की ओर से महाराष्ट्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहस भी हुई, इसी कारण कुछ समय के लिए वहां गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ था। भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ईंधन दर वृद्धि पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आंदोलन किया था। अब केंद्र सरकार ने अपना काम किया तो राज्य सरकार ने अभी तक रेट कम नहीं किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 15 दिन के भीतर राज्य में ईंधन के रेट कम करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार वैट कमी करत नाही। महाराष्ट्र सरकार जर वैट कमी केलं आणि मोदी सरकार ने केलेली या ठिकाणी जे रेट कमी केले ते जॉईन केले तर 15 रुपयांनी पेट्रोल डिझेल महाराष्ट्र स्वस्त होऊ शकतो। आणि म्हणून सरकार करत नाही म्हणून आम्ही आज आंदोलन चालू केलं। प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्वात, अरविंद गजपी यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात आज आंदोलन सुरू आहे। आणि सरकारने 15 दिवसाच्या आतमध्ये जर हे केलं नाही तर आम्ही जनाक्रोश करू। वाडा वाडामध्ये या महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण पंचायत समिती लेवलपर्यंत आम्ही आंदोलन करू। आणि नाना पटोले, शरद पवार साहेब, उद्धव ठाकरे या तिघांनी आता समजून घ्यावं, जनता आता तुम्हाला सोडणार नाही। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान के बाद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू दिया जिस पर कई पार्टी के नेता अपने विचार रख रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेट वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ऐसा है कि जैसे तेज वैयक्तिक विचार बसतात, तिने का बोलाव आणि का नाही बोलाव हे काही मी सांगू शकत नाही, परंतु आपल्या देशाकरता ज्या ज्या लोकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्याच्यामुळे देश स्वतंत्र होत असताना खऱ्या अर्थानं अनेक क्रांतिकारक झाले, त्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, अनेक मोठं नेतृत्व या देशाला लाभलं, परंतु हा त्याचा स्वतंत्र विषय, त्याच्यावर मी काय व्याख्यान करणार नाही। आता कंगना रनौतबद्दल काय बोलायचं? स्वतंत्रता मिळाली, देश आझाद झाला, अनेक लोकांनी बलिदान दिले, अनेक लोकांनी आपलं रक्त सांडवलं, अनेक लढाया झाल्या, आपले देशाचे अनेक नेते त्याच्यामध्ये अनेक लोक शहीद झाले, क्रांतिकारी नेते आपले शहीद झाले, फौज आपली शहीद झाली आणि त्याच्यानंतर आपली ही स्वतंत्रता मिळाली आहे। आता हे असे फिल्म स्टार असं हे अशा प्रकारचं वर्णन करण्याचं त्यांचं हे काम नाही आहे, परंतु ते कोणत्या आधारावर बोलतात, का बोलतात हे काही कळत नाही आहे। आणि म्हणून अशा वादामध्ये त्यांनी पहिली गोष्ट तर पडूच नाही। आणि म्हणून कंगना रनौत
हे आपली हिरोईन आहे या देशाचे, चांगलं ते पिक्चरमध्ये काम करत आहे, त्यांनी त्याच्यातच आपला इंटरेस्ट जास्त दाखवण्याची आवश्यकता आहे. कंगना राणावत यांनी स्टेटमेंट केलं ते स्वातंत्र्य सैनिकाचा अपमान करणार आहे, मी त्यांचा धिक्कार करतो, निषेध करतो आणि त्यांनी भारतीय जनतेची माफी मागावी अशी मागणी करतो. हे बघा, भारतावर आक्रमण ज्या वेळेला झालं, अंग्रेजांनी हळूहळू घुसत आपल्या देशामध्ये आक्रमण केलं आणि आक्रमण केल्यानंतर त्यांनी देशाला हळूहळू, अनेक वीर पुरुषांनी या देशावर आहुती घातली आणि त्यानंतर आपल्याला देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. कदाचित कंगनाजी रणावतचं म्हणण्याचा उद्देश असा असेल की आपल्याला देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, पण 21व्या शतकाकडे जात असताना देखील आजही अनेक गोष्टीत आपण गुलामगिरीत आहोत की काय, अशा पद्धतीचं चित्र या देशामध्ये आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी म्हटलं असेल की आपल्याला हे जे देशाला स्वातंत्र्य मिळालं ते भिकेमध्ये मिळालं, खऱ्या अर्थानं देशाला स्वातंत्र्य मिळालं ते 2014 मिळालं, कारण जनहिताय पौरजनहिताय खऱ्या दृष्टीने जी कामं आहे, सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, गरिबाच्या कल्याणासाठी, म्हणजे सबका साथ सबका विकास, हे खऱ्या अर्थानं 2014 आज तागाईत मान्य नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे. आणि म्हणून कदाचित त्यांनी असं म्हटलं असावं की खऱ्या अर्थानं देशाला आता स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. तंगी दूर करने के लिए सराफा व्यापारियों को झांसा देकर ठगी करने वाले दंपति की ओर दो करतूत उजागर हुई है. उन्होंने मूलचंद साहेबलाल सराफा तथा करण कोठारी के साथ ही इतवारी के कक्कड़ ज्वेलर्स और बजाज नगर के वामन हरि पेठे ज्वेलर्स से भी मंगलसूत्र उड़ाए हैं. बुधवार को कक्कड़ ज्वेलर्स का मामला दर्ज किया गया. ज्ञात हो कि तहसील पुलिस ने आरोपी छाया भोयर और उसके पति राकेश भोयर को गिरफ्तार किया है. उनसे गहने सहित 8,31,000 रुपए का माल बरामद किया है. छाया पहले रामदासपेट के होटल सेंटर पॉइंट में अकाउंटेंट थी, जबकि राकेश वेटर है. उन्हें 6 माह की बेटी है. गर्भवती होने के दौरान नौकरी छूट जाने से छाया बेरोजगार हो गई थी. बेरोजगार भाई की भी जिम्मेदारी होने से वह पैसे कमाने का मार्ग खोज रही थी. उसने 21 अक्टूबर को इतवारी सराफा बाजार के मूलचंद साहेबलाल सराफ ज्वेलर्स तथा 25 अक्टूबर को कोठारी ज्वेलर्स के कर्मचारियों को झांसा देकर मंगलसूत्र उड़ा लिए थे. सीसीटीवी से तहसील पुलिस ने दोनों गुत्थे सुलझाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसका पता चलने पर शंकरलाल कक्कड़ ने भी उनके यहाँ हुई दुर्घटना की शिकायत दर्ज कराई. शंकरलाल का टांगा स्टैंड पर कक्कड़ ज्वेलर्स है. भोयर दंपति ने कक्कड़ ज्वेलर्स से ही योजना आरंभ की. 20 अक्टूबर को मंगलसूत्र खरीदने के बहाने छाया कक्कड़ ज्वेलर्स में आई. मंगलसूत्र पसंद करने के बहाने सेल्स गर्ल की नज़र बचाकर 1.5 लाख रुपये का मंगलसूत्र उड़ा लिया. कक्कड़ द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किए जाने से छाया के हौसले बुलंद हो गए. इसके बाद उसने 21 और 25 अक्टूबर को दूसरी तथा तीसरी वारदात को अंजाम दिया. बुधवार को शंकर कक्कड़ की शिकायत मिलने के बाद तहसील पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है. इस प्रकरण में भी भोयर दंपति की गिरफ्तारी की जाएगी. वामन हरि पेठे ज्वेलर्स का मामला पहले ही दर्ज है. याच्यामध्ये एक सुशिक्षित महिला छाया भोयर ही दागिने खरेदी करण्याच्या बहाण्याने दुकानामध्ये जायची. तिच्यासोबत तिचं 6 महिन्याचं लहान बाळ पण असायचं आणि दागिने दाखवण्यासाठी दुकानदारांना सांगायची. तिथे दागिने बघण्यामध्ये त्यांची दिशाभूल करून तिथे दागिने तो चोरी करायची. असे तिने आत्तापर्यंत 3 दुकानामध्ये दागिने चोरी केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे. कक्कड आणि करण कोठारी वामनहरी पेठे या दुकानातील तिने दागिने चोरी केल्याचे दिसून आलेले आहे. पण यापूर्वी फिर्यादींनी ऑलरेडी फिर्याद दिलेली होती. मग त्याच्यावरून गुन्ह्याचा तपास केला आणि त्याच्याकडून सदर 4 गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 गुन्ह्याचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. त्या मुद्देमालाची किंमत आहे 8,31,000 रुपयाच्या सोने चांदीचे दागिने सदर महिलेकडून, आरोपी महिलेकडून जप्त करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास चालू आहे. तपास केला, फक्त एका गुन्ह्यामध्ये मधील मुद्देमाल तिने तिच्या पतीकडे दिला होता, त्यालाही एका गुन्ह्यामध्ये आरोपी केलेला आहे. बाकीच्या गुन्ह्यातील माल हा तिच्याकडून हस्तगत केलेला आहे. अजून तिचा कोणी साथीदार नसल्याचे सध्या तरी निष्पन्न झाले तपासात दिसून येत आहे. परंतु तपास अजून सखोल तपास करायचा चालूच आहे. आणखी काही आरोपी असल्यास तिच्यासोबत त्यांनाही आपण अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली. सालों से चली आ रही परंपरा रामटेक की शोभा यात्रा कोविड नियमों का पालन करते हुए निकाली जाएगी. इस शोभा यात्रा में 200 लोग उपस्थित रहेंगे, ये निर्णय जिलाधिकारी ने लिया है.
वैकुंठ चतुर्दशी त्रिपुरी पूर्णिमा के शुभ पर्व पर जिलाधिकारी द्वारा दिए निर्देश के अनुसार कोविड नियमों का पालन कर लिमिट में रामनगरी रामटेक में 37 वर्ष की परंपरा से चली आ रही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी जानकारी उप विभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते ने दी। कोरोना नियम का पालन करे, शोभा यात्रा में दोनों डोज लिए हुए 200 लोग उपस्थित रहे, इसके लिए वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। शोभा यात्रा में 500 लोग शामिल होंगे, ऐसे नियम के साथ उप विभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते ने शोभा यात्रा की अनुमति दी है। तहसील कार्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में पुलिस उपनिरीक्षक विवेक सोनवणे, कांग्रेस नेता तथा पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे, नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख, सुनील रावत, पीटी रघुवंशी, नगर परिषद उपाध्यक्ष आलोक मानकर, कोल्हेपरा पंचायत समिति सभापति कला ठाकरे, समाजसेवक गोपी कोल्हेपरा, पूर्व नगरसेवक तुलसीराम कोठेकर, बबलू दूध बर्वे, राहुल कोठेकर, मोहन कोठेकर, गढ़मंदिर के पुजारी व नागरिक उपस्थित थे। शोभा यात्रा रथयात्रेला मर्यादित स्वरूपात परवानगी आमच्या स्तरावरून आम्ही दिलेली आहे। सगळ्यांच्या संमतीनेच ही परवानगी देण्यात आलेली आहे। यामध्ये शोभा यात्रेमध्ये प्रतिकात्मक स्वरूपामध्ये प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 5 रथांची शोभायात्रा काढण्यात येईल आणि 200 लोक त्या ठिकाणी उपस्थित राहील अशा सूचना आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार किंवा आदेशानुसार आम्ही आयोजकांना दिलेल्या आहेत। त्या ठिकाणी ज्यांनी 2 वॅक्सिन घेतलेले आहेत असेच लोक उपस्थित राहतील आणि मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे हे सगळ्यांसाठी बंधनकारक राहील। जाणारे मार्ग आहेत ते मार्ग बंद करण्यात येईल गर्दी टाळण्यासाठी। त्या ठिकाणी वाहनांना प्रवेश असणार नाही, मात्र पैदल जाणारे जे मार्ग आहेत ते चालू राहतील आणि त्या मार्गाने लोक त्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतील। मी सन्माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम, सन्माननीय उपविभागीय मॅडम श्रीमती वंदना मॅडम, पोलीस अधिकारी यांचे आभार मानतो की त्यांनी सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन त्यांनी आम्हाला कोविडचे नॉर्मचे पूर्णपणे पालन करून आणि कमीत कमी गर्दी करून म्हणजे 200 लोकांची त्यांनी आम्हाला परवानगी दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे आमची शोभायात्रा निघणार आहे। शोभायात्रामध्ये खंड पडणार नाही याचा आम्हाला अत्यंत आनंद आहे आणि याच्यामध्ये आमच्या उपविभागीय अधिकारी मॅडमनी ज्या प्रकारचं सहकार्य दिलं आणि ज्या प्रकारचं मार्गदर्शन सगळ्यांना, आज इथं 50 लोकांची उपस्थिती होती, त्या सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं आणि त्याच्यामुळे काय सगळे लोकांच्या मनात एक आलेलं आहे की आपल्याला शोभायात्रा तर काढायची आहे पण लॉ अँड ऑर्डर आणि कोविडच्या नियमाचं पालन करूनच आम्ही शोभायात्रा। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त मितेश कुमार और विधायक कृष्ण खोपड़े ने पार्डी ओवरब्रिज और मेट्रो से हो रही ट्रैफिक की समस्या का जायजा लिया। इस दौरान विधायक खोपड़े ने बताया कि पुल का काम जनवरी तक पूरा हो जाएगा। पार्डी क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से नागरिकों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्डी ओवरब्रिज और मेट्रो का कार्य भी निर्माणाधीन स्थिति में होने से क्षेत्र की जनता को यातायात से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नागरिकों को हो रही समस्याओं के मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त मितेश कुमार और विधायक कृष्णा खोपड़े ने पार्डी ओवरब्रिज और मेट्रो का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो और एनएचएआई के अधिकारी मौजूद थे। मेट्रो का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और वो जनवरी से नागरिकों के लिए शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मेट्रो अधिकारियों की ओर से दिया गया, जिसके बारे में विधायक कृष्णा खोपड़े ने अधिक जानकारी साझा की। पार्डी ओवरब्रिज मेट्रो याच्या ट्रॅफिकचा जायजा घेण्याकरिता माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार या ठिकाणी आले होते। एक महिना पहिले त्यांनी आदेश काढले, त्याचं नोटिफिकेशन निघालं का या परिसरातून येणाऱ्या सगळ्या जे शहरामध्ये येणारे जड वाहन होते त्याच्यासाठी त्यांनी बंदी लावली होती आणि म्हणून ते इम्प्लिमेंट बरोबर झालं किंवा नाही झालं या संदर्भात त्यांनी आज निरीक्षण केलं। सगळे या ठिकाणी एनएचआयचे अधिकारी, मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते आणि मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं का डिसेंबरपर्यंत आमच्या मेट्रोचं काम पूर्ण कंप्लीट या ठिकाणी होणार आहे आणि जानेवारीपर्यंत पार्डी ओवरब्रिजचं काम कंप्लीट होणार आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून हा सगळं निरीक्षण दौरा त्यांचा होता आणि निश्चित स्वरूपात कामात आता थोडी प्रगती झाली आहे, प्रगती पथावर काम सुरू आहे आणि आशा आहे का हे डिसेंबरपर्यंत मेट्रो आणि जनवरीपर्यंत पार्टी और भी पूर्णपणे कंप्लीट होईल। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन,
मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहीद किसान कलश यात्रा का वर्धा में आगमन हुआ। इस दौरान बड़े चौक परिसर में लखीमपुर के शहीद किसानों को अभिवादन कर श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर में आंदोलनकर्ता किसानों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना का संपूर्ण भारत भर निषेध किया जा रहा है और शहीद किसानों की अस्थि की भारत भर यात्रा निकाली गई। वह यात्रा 11 नवंबर को वर्धा पहुंची। इस दौरान कई लोगों ने अस्थि कलश के दर्शन कर अभिवादन किया और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। मी यशवंत झाडे, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचा राज्य उपाध्यक्ष। आज हा शहीद शेतकऱ्यांचा जो अस्थि कलश आम्ही या ठिकाणी आणला, त्याच्यामागचं महत्त्व असं आहे की गेल्या वर्षभरापासून आमचं दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनामध्ये 650 वर शेतकरी आमचे शहीद झालेले आहेत। त्याचं आम्हाला काही दुःख नाही। आमच्या आंदोलनात आम्ही शहीद झालो, सरकारविरुद्ध संघर्ष करण्यामध्ये आम्ही गेलो, परंतु हे जे 5 शेतकरी ज्यांचा अस्थिकलश आम्ही या ठिकाणी आणलेला आहे, हा जाणीवपूर्वकरित्या भारत सरकारच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या सरकारने खून केलेल्या शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी हे अस्थिकलश आहे। त्याचं कारण असं आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये लखीमपूर खिरी नावाचं गाव आहे। दिल्लीमधल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली असा निर्णय घेतला की भारतामध्ये जिथे जिथे कुठे केंद्रीय मंत्री येतील त्या मंत्र्यांना आपण काळे झेंडे दाखवले पाहिजे। लखीमपूर खिरीमध्ये उत्तर प्रदेशात मंत्री जे आमचे आहेत, अजय मिश्रा ट्रेनी केंद्रीय गृहमंत्री आहेत, गृहराज्यमंत्री आहेत, त्यांचा मुलगा, लोकांना वाटलं मंत्री चिवंडाला, शेतकऱ्यांनी त्या गाड्यांना काळे झेंडे दाखवण्यासाठी सुरुवात केली। तर त्या मंत्र्यांच्या मुलांनी या आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी जे रस्त्याच्या कडेला उभे होते त्यांच्या अंगावर स्वतःच्या गाड्या नेल्या। मागे पोलिसांचा बंदोबस्त होता आणि अशा प्रकारे जाणीवपूर्वकरित्या चिरडून या 5 शेतकऱ्यांचे बलिदान यामध्ये केलेलं आहे। या 5 एक आमचा 4 शेतकरी आहे आणि एक पत्रकार जो त्या ठिकाणी त्याचं वृत्तांकन करण्यासाठी आलेला होता तो देखील त्या ठिकाणी शहीद झालेला आहे। तर अशा प्रकारे या 5 शेतकऱ्यांचे बळी हे सरकारच्या यंत्रणेने जाणीवपूर्वकरित्या त्या ठिकाणी खतम केलेलं आहे आणि म्हणून या सर्व गोष्टींची माहिती जनतेला व्हावी। शेतकरी आंदोलन जे आमचं दिल्लीमध्ये सुरू आहे त्या अनुषंगाने राज्याराज्यामध्ये असा अस्थिकलश निघालेला आहे। येथे गेल्या 28 ऑक्टोबर रोजी महात्मा फुलेंच्या जयंती दिनाच्या निमित्ताने पुण्याच्या आमच्या महात्मा फुलेंच्या त्या बुलढाणा जिले में अब तक 74 एसटी कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इस पर एसटी कर्मचारियों का कहना है कि कार्रवाई करेंगे फिर भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बुलढाणा जिले में 2 दिन में 60 डिपो के 74 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन पर अब भी कोई हल नहीं निकला है, इसलिए कर्मचारियों का आंदोलन अब भी जारी है। वहीं सरकार द्वारा अब तक सैकड़ों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन अब भी जारी है। बुलढाणा डिपो में 11, मलकापुर में 5, जलगांव जामोद में 10 और शेगांव में 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, फिर भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। 74 कर्मचारी निलंबन हे फक्त शासनाकडून आणण्यात आलेला दबाव आहे। अशा दबावाला आम्ही बळी न पडता आमचा संप हा कायम असा चालू ठेवणार आहे। त्यामुळे शासनाने कितीही आमच्यावरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी आम्ही आमची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही। आणि आमची फक्त एकच मागणी आहे, ते म्हणजे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण आणि निलंबनाची कारवाई सोडा। बडतर्फ जरी केलं तरी आम्ही आमच्या मागणीवरती ठाम राहू आणि एकच नारा देऊ, कामगार एकजुटीचा विजय असो, कामगार एकजुटीचा विजय असो, एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे। मुंबई के पूर्व उपनगर में पति ने ही अपनी पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पत्नी द्वारा बात न करने पर गुस्से में आए पति ने उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मुंबई के पूर्व उपनगर में RCF पुलिस स्टेशन अंतर्गत राहुल नगर में एक पति ने अपने ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पत्नी द्वारा बात न करने पर इस बात से गुस्सा होकर पति ने पत्नी को जान से मार दिया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति अक्षय आठवले को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला आकांक्षा उम्र 21 वर्ष यह धारावी के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। आरोपी अक्षय आठवले से 2019 से शादी की थी जिसके बाद उनमें कई बार विवाद होता था, इसलिए मृत महिला कुछ महीने से अपने मायके रह रही थी। अक्षय ने कई बार अपनी पत्नी से बात करना चाहा लेकिन उसने बात नहीं की। इसी बात से गुस्सा होकर अक्षय ने अपनी पत्नी की अस्पताल जाने के समय धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काल दिनांक 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास अशोकनगर वाशीनाका चेंबूर मुंबई या ठिकाणी राहणारी महिला नामी आकांक्षा वय 23 वर्ष ही कामानिमित्त धारावी ते रिक्षातून चाललेली होती। तिचा पती यांनी अक्षय आठवले ज्याच्याबरोबर तिने डिसेंबर 2019 प्रेमविवाह केलेला होता आणि त्यानंतर 4 महिन्यानंतर भांडणतंत्र होत असल्यामुळे माहेरी अशोकनगर या ठिकाणी ती राहत होती। त्याने त्याच्याबरोबर ती बोलत नाही याचा मनात राग धरून मोटरसायकलने त्या रिक्षाचा पाठलाग करून रिक्षा अडवून धारदार हत्याराने तिच्या डोक्यावर दोन्ही हातावर सपासप वार करून तिला जीवे ठार मारलेला आहे। याबाबत मयत महिलेचा भाऊ अनिकेत खरटमोल यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आरसे पोलीस ठाणे येथे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये त्यास अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील जे तपास पोलीस निरीक्षक श्याम बनसुडे हे करीत आहेत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और किंग्सवे अस्पताल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाएगी, ऐसी जानकारी किंग्सवे अस्पताल में आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डायबिटीज के बारे में जन जागृति की जाएगी। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। डॉक्टर फ्रेडरिक पेंट्रिक ने इंसुलिन की खोज की थी। इस साल इंसुलिन के खोज के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में किंग्सवे अस्पताल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। इस दौरान इंसुलिन पर जन जागृति की जाएगी, मरीजों को इंसुलिन के बारे में अवेयर किया जाएगा। साथ ही डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को इंसुलिन के अलग अलग प्रकार बताए जाएंगे। वहीं अन्य डॉक्टरों को डायबिटीज के कई प्रकार के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साइकिल रैली का भी वर्ल्ड डायबिटीज डे पर आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी किंग्सवे अस्पताल में आयोजित पत्र परिषद में दी गई। 14 नवंबर को जागृति मधुमेह दिवस है जिसको हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बोलते हैं। इस दिन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग इनका बर्थडे है। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। 1921 में इंसुलिन की खोज डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, जॉन मैकलियर और जेबी कॉलिब, ये चार लोगों ने किया था। उसमें फ्रेडरिक बेंटिंग ने लीड काम किया था, इसलिए ये चारों को नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्हीं की याद में 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे करके ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन, इस साल इंसुलिन के 100 साल डिस्कवरी के पूरे होने की वजह से हम लोगों ने पूरा थीम इंसुलिन बेस्ड रखा है और पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करना, फिजिशियंस को इंसुलिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना और पैरामेडिकल स्टाफ को भी इंसुलिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ये हमारा मकसद है। CME में हम डायबिटीज़ के अलग अलग टॉपिक ले डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बेजल इंसुलिन थेरेपी, बोलस इंसुलिन थेरेपी, टाइम इन रेंज ग्लूकोज कंट्रोल, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक टॉपिक्स है जिसमें हम डॉक्टर्स लोगों को इंसुलिन के बारे में अपडेट करेंगे। बहुत सारे फिजिशियंस यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत सारे लोग लाइव देख पाएंगे हमारे को YouTube लाइव और Facebook लाइव के थ्रू। सो वो उन लोगों को इंसुलिन अपडेट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम ये है कि अवर प्लेज विल बी टू मेक द ट्रीटमेंट अवेलेबल एक्सेसिबल अवेलेबल टू एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। नागपुर के वाठोड़ा क्षेत्र अंतर्गत 84 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। इस प्रकल्प को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में विशेष बैठक ली गई, जहां महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रस्तावित प्रकल्प में बाधित अतिक्रमण कार्यों का पुनर्वसन पास की 7 एकड़ जमीन पर किए जाने की जानकारी दी। साथ ही इस प्रकल्प को गति देने का अनुरोध क्रीड़ा मंत्री से किया गया। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि कॉम्प्लेक्स की जमीन पर सुरक्षा दीवार तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से निधि तो प्राप्त हुआ, किंतु अतिक्रमण के कारण ये काम नहीं हो पाया।
अतिक्रमण धारकों का पुनर्वसन करने के संदर्भ में महानगर पालिका की सभाओं में प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही पुनर्वसन को लेकर समाचार पत्रों में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें लाभार्थियों से दस्तावेज मांगे गए। अब तक कुल 647 लोगों ने दस्तावेज जमा किए हैं, जिसमें से कुछ पीड़ितों के पक्के निर्माण तथा कुछ खुले भूखंड हैं। सभी अतिक्रमण मनपा, NMDRDA और प्रन्यास द्वारा निकाले जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की जगह पर सुरक्षा दीवार के साथ ही छात्रावास और अत्याधुनिक इंडोर सभागृह के लिए भी केंद्र से निधि आवंटित किए जाने की जानकारी सचिव द्वारा दी गई है। चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए प्रकल्प का एकीकृत प्लान तैयार किया जाना चाहिए। प्लान तैयार करने के बाद केंद्र सरकार का निधि और CSR निधि से विकास किया जाना चाहिए। दीवार का निर्माण करने वाली कंपनी का नागपुर में कार्यालय नहीं है, यहाँ तक कि साई का कार्यालय भी औरंगाबाद में है। दोनों कार्यालय बाहर होने से कार्य को गति मिलने में देरी हो रही है। केंद्र की क्रीडा कंपनी के बदले केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग या राज्य के PWD विभाग या फिर प्रन्यास के माध्यम से काम पूरा करने की कार्यवाही करने का सुझाव भी गडकरी ने दिया। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।